बड़ी खबर है, कोरोना वायरस के चलते जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था जो कि 17 तारीख तक था, उसको जो है इम्पोज कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है 24 तारीख तक। ये बड़ी खबर है। पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में अब जो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है वो 24 तारीख सुबह 7 बजे तक एक्सटेंड कर दिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। अभी अभी ये फैसला आया है, जिस तरीके से ये ट्वीट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, DIPR J&K द्वारा ये ट्वीट जो है वो आया है इस समय, और इसमें जो है वो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 24 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले जो ऑर्डर आया था उसके तहत 17 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू जो था वो चलना था और सुबह खुल जाना था। लेकिन बड़ी खबर है, अभी अभी ऑफिशियल ये स्टेटमेंट आया है DIPR J&K के ट्वीट हैंडल से, अभी के 24 तारीख तक जो है कोरोना कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया गया है और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। जो जो गाइडलाइंस जिस अनुसार अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाई गई हैं, उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी द्वारा कोई ऑर्डर आता है तो वो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। बड़ी खबर ये है कि 24 तारीख तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ई पास सर्विस रियासी में जिस तरीके से एक्टिवेट चल रही है कि आपको कहीं भी अब घर से जो है बाहर निकलना तो आपके पास ई पास होना अनिवार्य है, तो बड़ी खबर है अब ये जो ई पास सर्विस भी होगी तो ये कम से कम जो है वो 24 तारीख तक चलेगी। अभी अभी DIPR J&K द्वारा ये ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो 20 डिस्ट्रिक्ट में इम्पोज कर दिया गया है टिल 24/5/2021 सुबह 7 बजे तक। जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे तो आशंका भी ये जताई जा रही थी कि कोरोना कर्फ्यू जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी नहीं आया था। तो मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर है ये, अभी अभी 6:37 पर DIPR J&K की तरफ से ट्वीट आया है कि 24 तारीख तक जो है कोरोना कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया गया है। अब आप लोगों को कोरोना कर्फ्यू को फॉलो करना है, अपने आप को बचाना है इस महामारी से, अपना ध्यान रखना है। जिस तरीके से सरकार द्वारा जो है जो भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उनको पूरे तरीके से फॉलो करना है। रियासी की हम अगर बात करें तो डिप्टी कमिश्नर रियासी चरणदीप सिंह ने तीन चार दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी कि ई पास जो है वो अनिवार्य है, तो उससे भी लोग जो है आशंका ये जता रहे थे कि क्योंकि अब ई पास सर्विस एक्टिवेट की गई है इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये चल रहा है कि कोरोना कर्फ्यू को जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा जो चल रहा था। तो बड़ी खबर ये है कि 17 तारीख को जो लॉकडाउन तक 17 तारीख तक था उसको जो है बढ़ा दिया गया है 24 तारीख सुबह 7 बजे तक। अभी ये स्टेटमेंट आया है DIPR J&K द्वारा, आप लोग इसको फॉलो करें। जो भी गाइडलाइंस आती हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की तरफ से वो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी, राहुल कपूर कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।